मालती चौहान का हो गया देहांत। आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस समय का सबसे बड़ी अपडेट देने जा रहा है, सबसे बड़ी खबर जो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि मालती चौहान कह रही थी कल के डेट में कि मैं फांसी लगा लूंगा और उसमें सचमुच लगा ली है और वो देहांत हो गया है। पूरी भूचाल मच चुका है सोशल मीडिया पर। आखिर खबर की क्या है जानकारी, आखिर क्या सचमुच मालती चौहान इस दुनिया में है या अथवा नहीं है? आइए हम इस 3 मिनट में साबित दिखाकर आएंगे कि आखिर मालती चौहान क्या इतनी बड़ी कदम उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं। लेकिन आप लोग बता देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि मालती चौहान कह रहे थे विष्णु राज से कि हमें माफ कर दो, हमें अपना लो, नहीं तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। आखिर इस खबर को लेकर चर्चा क्यों किया जा रहा है, इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल क्यों किया जा रहा है? तो आप सबको बता देना चाहता हूं कि अब मालती चौहान का चाहने वाले लगातार घबरा चुके हैं, लगातार कहा जा रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन आप लोग बता देना चाहता हूं कि सच्चाई कुछ और है, क्योंकि यह झूठ खबर फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर। आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे, कुछ फेसबुक चैनल पर देख रहे होंगे जो लगातार मालती चौहान को देहांत बता रहे हैं, लगातार मालती चौहान को कहा जा रहा है कि वो निधन हो गया है और शराब के अति में डूब चुके हैं विष्णु राज। तो एक सब गलत फैब्रिक है, गलत साबित हो रहा है, क्योंकि हम सोशल मीडिया का जायजा लिए पता किए कि मालती चौहान अभी कुछ नहीं, वो होटल में किसी होटल में अकेले है, ना उसके साथ अर्जुन है, ना उसके साथ विष्णु राज है, कोई भी नहीं, वो अकेले है, अपना बच्चा का लेकर और वीडियो बनाकर अपलोड कर रही है। आप घबराइए मत, मलिक जितना भी मालती चौहान का आप टेंशन है चाहने वाले हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा खबर सोशल मीडिया पर फैलती रहती है, वो सब खबर पर पुष्टि हम बेकरार से जरूर किए। लेकिन आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जैसे खबर में कही जा रही थी कि पंखा का लड़का मालती चौहान इस दुनिया में अब नहीं है, अब जाएगा विष्णु राज जेल, तो आप लोग घबराइए मत, क्योंकि ऐसा ऐसा खबर रोज सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। आप लोग टेंशन लेने की बात नहीं, आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस समय विवाद का घड़ी समाप्त होने वाला है, क्योंकि आप सभी को बता देना चाहते हैं कि मालती चौहान और विष्णु राज में जिस तरह से बहुत दिन से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उसके कारण में फिर मालती चौहान अलग हो जाते हैं और विष्णु राज अलग हो जाते हैं, उसके बाद शादी करवा देते हैं मालती चौहान अर्जुन नाम का एक लड़का से, उसके बाद वो अर्जुन भी छोड़ देता है और अपना पत्नी के पास चला जाता है, उसके बाद में मालती चौहान वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, उसके बाद कहते हैं हमें माफ कर दो विष्णु, हम आपको पास रहना चाहते हैं, हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग बता देना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर जैसे ही लोगों ने सुना इनकी कहानी और ऐसे ऐसे वीडियो, उसके बाद में कुछ लोगों ने व्यू कमाने के लिए ऐसा ऐसा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि पूरी तरह से सोशल मीडिया पर तबाही मच चुकी है, पूरी सोशल मीडिया पर घबरा चुके हैं कि आखिर मालती चौहान ऐसा बड़ा कदम क्यों कर सकती है। जैसा खबर में बताई जा रही है कि मालती चौहान इस दुनिया में अब नहीं है, मालती चौहान अब निधन हो गया है, तो विष्णु राज बहुत जल्दी जेल जाने वाला है, विष्णु राज पर कार्रवाई होने वाला है, क्योंकि शराब की हालत में कुछ भी बोल रहा है। तो ऐसा ऐसा खबर जो भी बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं फेक है, इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। लेकिन आप लोग बता देना चाहते हैं कि इस तरह से जो भी खबर चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, ऐसा खबर नहीं चलाना चाहिए। लेकिन आप लोग बता देना चाहता हूं कि जो भी इस तरह से खबर चला रहा है उसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी जिस तरह से सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में कहा जा रहा है कि मालती चौहान नहीं है, पंखा से लटक कर जान ले दी, ऐसे कर दी तो ऐसे कर दी, अब विष्णु राज को कोई नहीं बचाएगा, विष्णु राज को जेल होगा, मालती चौहान पहले ही इंजाम लगा दी थी कि मेरे को कुछ होगा तो विष्णु राज पूरा जिम्मेदार होगा। तो आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि उससे पहले विष्णु राज ने एक लेखक लिख कर दे दिया है थाना में, क्योंकि कुछ भी मालती चौहान करती है तो विष्णु राज नहीं फंसेगी, क्योंकि विष्णु राज ने पहले ही नोटिस जारी कर दिए हैं। आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि आखिर ये दोनों में सबसे बड़ा गलती कौन कर रहा है, आखिर भगवान करे कि ऐसा ना हो। लेकिन आप लोग बता देना चाहते हैं कि सभी को यकीन हुआ रहा है कि आप लोग दोनों एक साथ हो जाइए। बाकी आपका विचार कमेंट कराए दीजिए, बाकी पेज को फॉलो कीजिए, और फेक वीडियो के बारे में आपका क्या राय कमेंट करके बताएं। जय हिंद।